ना। नहीं कहोगे तो देख लेना फिर घर निकल देना यहाँ से सीधे, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारी गाड़ी अटक चुकी है और मन्नू कोशिश कर रही है गाड़ी पीछे खिसकाने की, खिसका भी मंगाया था मीशो से ये वहाँ का जिम, पता नहीं मेरे को भी कहाँ था, कोई दिखी नहीं रहा, फिर गए पता करने। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग पर। और आप सबको नमस्कार, प्रणाम, पहला कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और फिलहाल लोगों ने मुझे चैलेंज किया था और मैं 7 बजे उठ चुकी हूँ। आज उठ के दे रही बिहारी, मैं को जब मैंने बोला इनको, मेरे को जब जाना होता है तब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि अभी हमें जाना है गैस के काम, गैस सर्विस पे जाना चाहिए, गैस की सर्विस पे जाना है, जो भी कहते हो यार समझ जाओ। तो मैंने रखी थी बैठा दिया, रखी थी जल्दी उठ गया। आज कितने बजे उठा? 8:20 में रखी थी, उठ गए और एक अभी अंदर 100 प्लेटें पड़ी हुई, उठे नहीं उठे बराबर हो रहे। तो जी चलिए अब करते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज बनाने जाते हैं आलू के पराठे और कल का पनीर वगैरह बचा उसमें मिक्स करके पराठे बना देते, थोड़ा पनीर प्याज पराठा और आलू पराठा। देखा नहीं, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं, नहीं तो सब एक साथ फटाफट से काम कर देती हूँ, लोग जलते हैं मेरी कामयाबी से, मेरे काम से ये वो जलने वाले लोग। ए भाई तो बोल दो, तुम्हें निर्वस्त्र कोई नहीं देख रहा, मैंने वो एडिट कर दूंगी मैं। चलो ये पराठे वराठे तो सही है, लेकिन तुमने जिम के वो निकाल दी कपड़े, खाना खाना नहीं खाना तुमने, बता बता सही, तुमने जिम के कपड़े निकाल लिए, 4 बजे जाना है आज से, है आज से बोला था, कल से खाता, आज से कल, अगर तुम आज नहीं गई ना तो घर से बाहर निकल जाना, दूर जाता है फिर बारिश होती फिर नहीं जा पाते वो, तो नहीं बाइक में जाएंगे दोनों के दोनों, फिर बारिश हो जाती भी तो बारिश होगी, बारिश में भीगते हुए जाना, जिम में मजा आता है, जैसे फुटबॉल खेलने में मजा आता है बारिश में, कुछ भी घूमने में ठीक है, तो तुम चुप रही हो, मैं तुझे डाल दूंगी बता दे रही मैं, ठीक है हाँ बोलो, हाँ ना मत कर फिर देख लेना, मैं तेवा वाला गरम लगा, हाँ बोलो तो पीछे हट जाओ पहले, हाँ बोलो मैं खाना नहीं बनाऊंगी फिर उभे रहोगे, मत करो तो कितने चुभ रहे यार उंगलियां, ये रखी थी इनकी उंगलियां, देखो जरा जल्दी बोलो फिर, ना हाँ ना, नहीं कहोगे तो देख लेना फिर घर निकल देना यहाँ से सीधे, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मायके में। तुम नहीं खाओगे क्या मन्नू? ऐसे देखोगे तुम तो, हमारे पराठे तो रेडी हो गए हैं दोनों, लगे हैं भाई, चलो आओ जल्दी आओ, रुके हम और यहाँ लगा रखी हमने डबल स्मार्ट पनीर पराठा लिया, अरे यार तुम बैठो, तो पनीर पराठी लेट्स स्टार्ट, खेत जाले दिख रहे हो, दिख रहे हो, चलो गाइस अब हम लग जाते रास्ते, ओके ओके। बाइक में धूल कितनी हो रही है आपके? बाइक में धूल कीचड़ कीचड़। चलो भाई चलो, तो इतने अंदर था ये गैस ऑफिस, हमको दिखाई नहीं पहले, तो पूछते पूछते आना पड़ा, जैसे कि कोई सिलेंडर उठ के ले जाने वाला, गुप्त जगह बना रखा है इन्होंने ऑफिस, ठंडा ठंडा लग रहा होगा ना उसका, पानी पियोगे मन नहीं, अभी कोई बियर शॉप है देखो इतनी बड़ी, गवर्नमेंट शराब की दुकान, लो पहले पानी ले लेते फिर आप बाइक ले आना वहां से, फिलहाल तो पानी बहुत प्यास लग गई मुझे, आप चलते सीधे घर, तो यहाँ हमारी गाड़ी अटक चुकी है और मन्नो कोशिश कर रही है गाड़ी पीछे खिसकाने की, खिसका भी दी, अरे भाई साहब इतनी ताकत, बड़ी ताकत आ गया मन्नो तुम, हाँ निकल जाएगी आराम से, गाली खाते हुए हम पहुंच चुके हैं घर और रक्षित के यहाँ चल रहा है गुरु के गौरंगा दास प्रभु से सीखो लाइफ हैक्स फ्रॉम सनातन धर्म, ओ माय गॉड इतना लंबा मुझे पढ़ने में टाइम लग गया उसको।
फाइनली घर तो पहुंच गए। इतना लग रहा गर्मी पलक और सब ट्रैफिक में फंसते फंसते पहुंच गए। मैंने इनको बोला जल्दी चलो टाइम पे ऑफिस का टाइम हो गया इनका भी। चाय पानी पानी पीता हूँ। मैं नहीं काट रही, 1:30 बज गया, अब तो भूल जाओ तुम। पार्सल आया, मैंने कहा पार्सल आया, पार्सल में मेरे को लग रहा है वो क्या हो सकता है, मेरे को लग रहा है वो है दीवार वाला, वो क्या बोलते हैं उसको, वॉल माउंट टाइप का हैंग करने के लिए, तो वही होगा फिर, या तो वो होगा या तो फिर फ्रिज का हो सकता है ना, मशीन का। पर हमारे साथ अच्छा है। अरे यार मैं तो कहती हूँ अभी एक बार इस माल को उसको भी ले लो घर। और दरवाजे खोलने के लिए वो भी खोल आती। कौन से पता यार, तुम्हें पता है कि मेरे को वैसे टाइम नहीं है। क्या है खुश कितना बोलने लग गया आज के लिए। तो गाइस मैंने मंगाया था मीशो से ये क्या बोलते हैं यार इसको, नहीं पता मेरे को क्या है, ये जो चल रहा है ना आजकल, चल कुछ नहीं रहा, तुमने मंगाया था वैसे नहीं, ये चल दीजिए स्टेप से वॉल पे लगाने वाले, चल हल कुछ नहीं रहा है उसको, ऐसे वॉल पे चिपकाते हैं स्टिकर सा निकाल के इसका बस, और ये खराब हो जाएगा दो चार दिनों में, और दो चार दिनों में इतने पैसों की आहुति चली जाएगी। क्या मतलब कैसे लगाते हैं, अभी तो खुद ही सोची क्यों कैसे लगाते हैं, ऐसे ही लगाते हो, ये ऐसे लगेगा इसमें, ये चिपक जाता है वहां पे वॉल पे, ठीक है अल्लाह करोगे तो ज्यादा लग जाएगा, ऐसे लगेगा ठीक है, और ये ऐसे लगेगा, ऐसे इसके टांगों को यहाँ घुसेरा जाएगा, वो तो निकल गया हाथ में क्या, ये तो ऐसे होगी, ये स्टिकर वाला है ना, आपको लगा के दिखाते हैं गाइस पूरा जब लग जाएगा। कौन जाएगा रुको, ओए मोटे बाबू, ए बाबू रुको तो सही, रुको। तो आज की दिल्ली का मौसम इतना खतरनाक, बारिश हो रही है बहुत तेज, बिजली चमक रही है एंकर, बिजली कड़क रही है, और जल्दी ही हमारे ये स्कूल के पास में बन जाएगा एक तालाब। और एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने जो ऑनलाइन मंगवाया था वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, फर्स्ट क्लास से अटक चुका है, सामान रखने की जगह आराम से हो गई इजीली मेरी। कल से लोग बाग मुझे जिम भेजने की कोशिश में तो बहुत है, मैंने सकल दिख रहा मुँह धो के उठ के, लोगों की मेहनत खराब हो चुकी है मुझे जिम भेजते बेचारे भी जी, लोगों की मेहनत खराब हो रही है जिम भेजने साजिश खराब हो गई है, कभी बनाते हैं फटाक से नाएंगे, और चार बढ़िया सा मौसम हो गया है। आज हमारी जिम की क्लासेस में बन रही जा रही है, बन क्या जा रही थी, बन चुकी है मैगी डे वन जिम का डे वन। तो शुरुआत करेंगे मैगी के साथ और चाय के साथ, और बाहर हो रही है बरसात तो उसका पूरा आनंद उठाएंगे, और आज से रक्षित की नई ट्रेनर मैं हूँ, पहले हम वेट गेन करना सिखाएंगे, इसके बाद वेट लॉस का, वेट लॉस की मसल है, मैं वेट लॉस करूंगा, वेट लॉस करना सिखाएंगे आपको ठीक है। तो चलो आज का डे वन हमारा गर्म हो रहा होगा आराम से, गर्म नहीं हो रहा आप गर्म गर्म खा लेते हो ना, हमारी तो चाय भी खत्म नहीं होती, आपकी चाय खत्म हो जाती है, कैसी बनी है, सही हो रही नहीं हो रही, होटल वाली हो रही नहीं हो रही बताओ, फिर कल से नहीं खिलाऊंगी, मन करता ना कभी कभी खाने का ऐसे, हाँ तभी मैंने कहा मैगी बनाते, तो चले हम तो लेते हैं मैगी का मजा चाय के साथ, और फिर देखते हैं अगर बारिश बंद हो गई तो, रखते कहा कि 4:30 बजे बारिश बंद हो जाएगी, 4:15 हो चुका है ऑलरेडी, देखते हैं 15 मिनट में क्या होता है। कोई बात नहीं रखित, हो जाएगी बस, मुझे जिम भेजने वालों खुद जिम नहीं जा पा रहे और बोलोगे और करोगे मेरे संग जोर जबरदस्ती,
ऐसे सोचा हूँ सुबह ही निकल जाता हूँ जब रात को इसने मुंह खराब कर दिया। और हमारे घर के पास स्विमिंग पूल बन चुका है, अगर आप कोई इच्छुक है तो आ सकते हैं यहाँ पे तैरने के लिए। ये देखो ये हाल है, 2 मिनट बाद मतलब आज लंबी देर बहुत देर से हुई बारिश, 1 घंटे से ज्यादा। हाँ आज 1 घंटे से ज्यादा हुई है बारिश और पूरा भर गया है इससे तब से। अब कैसे क्रॉस करा जाए? तभी तो आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? हम जिम का एडमिशन लेने जा रहे हैं भाभी का, आज पता करके आते हैं कि कौन सा जिम है पास है, कल से फिर जिम शुरू, वरना नितिन ना घर में नहीं आ रहे। ऐसा कहा था, अल्मोड़ा भेज देंगे, अल्मोड़ा भेज देंगे। तो चलते हैं आज पता करते हैं अगर सही लगेगा। अभी खौफ का माहौल है तो जाना पड़ेगा। ये लो मजा आप भी वो तो तो आप चलते हैं देखते हैं क्या है सीन जिम का, क्या चार्जेस है, क्या ये सिखाते हैं ना। ठीक हो गया फिर कार्डियो करेंगे हम, चलो रक्षित बताएंगे बाकी डिटेल वहाँ पे, मेरे को तो इसमें कुछ है नॉलेज, तो हम भी जाके आते हैं। मैं तो अपना जुगाड़ करके आई रक्षित मेरे को भेजने वाले खुद घर बैठे पड़े हुए जिम के चक्कर में, तैयार होके बाहर डाला सेम पहन करके बाहर निकले यार ऐसा हो गया। और यहाँ देखो रक्षित पूरे रेडी होके बिल्कुल बाइक भी लेके चले गए थे, और यहाँ जाओ तैरते हुए भाई धीरे चला ले। ये बना है यहाँ पे घर के आगे स्विमिंग पूल भी है, किसी भी यहाँ पे फ्लैट चाहिए तो बताना। रक्षित आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे जा रही हूँ, मैं वापस जा रही हूँ विद कार्डियो 1000 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ पे सारे बोर्ड में लिखे हुए देखो, 4 गर्ल्स 100 रुपये क्या लिखा है ओनली, मंथली फीस 700। ये सारी डिटेल है यहाँ पे ना, काम आएगी ना, नितिन को भेज दूँगी। चलो यहाँ का जिम पता नहीं मेरे को भी कहाँ का, कोई दिख ही नहीं रहा, रक्षित गए पता करने। जिम आ गई, अपनी शक्ल दिखा के चले जाते हो अब, ठीक हो गया? नितिन ने बोला कि मेरे को फोटो भेजना, बस ऐसी करूंगी मैं। रक्षित जा रहे? रक्षित पक्का? चलो इससे पहले कि बारिश और हो। रक्षित देखो जिम का नाम लेती बूंदे तेज हो गई। चलो भाई तो जा रहे छपा छप छपा छप, आ जाओ आ जाओ, बाय बाय। रक्षित तो चले बारिश को मात देते हुए। लड़का देखो कितना बिजी है। तो रक्षित आज मैंने बनाया खाने में फर्स्ट क्लास भरवा करेले, अभी मैं 3-3 पीस निकाल के लाई हूँ और बाकी अभी मैंने रख दिए हैं यहाँ पे। तो अभी हम करते हैं अपना डिनर, पप्पू तो अभी आने में, पप्पू को भी आने में देर ही है, अभी पता नहीं कब तक आते हैं, 2 बजे तक आएंगे आएंगे। तो बिना टेस्ट किए क्या कम ज्यादा मसाला वसाला कुछ गाइस, आज अभी आपको मैंने अच्छा खिला दिया ना, इसमें दही डाल लगी दही ना, तो दही नहीं डाली इसमें, दही तो मैंने कहा रायता बना दूंगी कल करके। तो आप रक्षित बताएंगे मास्टर साहब मसाले वसाले सब बढ़िया रहे, जलना तो नहीं है? जलेगा तो नहीं, किस करेला खट्टा खट्टा हो रहा मतलब कड़वा है, कड़वा है खट्टा है क्या है, कड़वा होता है करेला कड़वा है। तो यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही है कॉल मी बे, आज व्लॉग एंड रक्षित करेंगे। चलो रक्षित, तो गाइस थैंक यू आज का व्लॉग देखने के लिए। देखने के लिए देखा गया अभी? अच्छा देखोगे यार, देखोगे तो आपको शुक्रिया। और आने वाले कई न्यू व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए क्या रक्षित ऐसा नहीं चलेगा यार, अच्छा बोलो आज के व्लॉग को, बोलो आज के व्लॉग को करते करते समाप्त, व्लॉग को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे आने वाले कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए सलाम नमस्कार आदाब, हम बोलते गए हो, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट, सत श्री अकाल, टेक केयर, जय माता दी, जय माता दी। देखो भैया ऐसे हमारे
कोई नहीं, ट्रेनिंग दे रही हूँ मैं इनको, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलिए बाय बाय।